कविता पढ़ने का मुझे शौक है और अच्छी बुरी किसी भी प्रकार की कविता मेरी आंखों के सामने से गुजरे मैं उसे पढ़ ही लेता हूं। अच्छी कविताएं मेरे मन को पकड़ लेती हैं। नाम से मैं प्रभावित नहीं होता। अक्सर अज्ञात लेखकों की रचनाएं मैं पढ़कर चौंक उठा हूं। श्री रमेश चंद्र झा की रचनाओं से मेरा परिचय हुंकार नामी पटना के साप्ताहिक से हुआ। रांची कवि सम्मेलन में उनसे मिलने और उनके मुख से उनकी कविताओं को सुनने का सुयोग प्राप्त हुआ। उनकी रचनाओं का अर्थ मेरे मन में और गहराया। श्री झा जी ने जहां तक मुझे मालूम है अभी तक गीत ही लिखे हैं। इन गीतों में उन्होंने अपने मन की विभिन्न भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। अपने मन की भावनाओं को केवल कला का झीना पाटंबर पहनाकर जिनसे उनका रूप और निखर उठे न कि छिप जाए आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य की नई परंपरा है। उसके लिए बड़े साहस और संयम की आवश्यकता है। अपने प्रति बड़ी ईमानदारी उस परंपरा का प्राण है। झा जी के गीतों में हृदय बोलता है और कला गाती है। ऐसे गीतकारों के विकास का पथ उसका जीवन है। यदि उसके जीवन में कविता नहीं है तो उसे ये पथ त्याग देना चाहिए। मेरी मनोकामना है कि उनके मानस से निकले हुए गीत अनेकानेक कंठों से उनकी अपनी सी प्रतिध्वनि बनकर गूंजे, तभी शायद वे भी अपने कवि जीवन को सफल समझेंगे।